सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स किचन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पे दबाइए यूनिक कुकिंग की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आइए आज हम आपको घर पे नूडल्स बनाना बताते हैं। नूडल्स तो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मार्केट का जो नूडल्स आता है उसमें बहुत सारे सामान मिले होते हैं, रासायनिक सामान भी रहता है, फ्लेवर्स रहता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो आज हम जो घर पे बनाएंगे वो बच्चों को आप आराम से खिलाइए, सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और आसानी से बनता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नूडल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। एक कप से हमने मैदा लिया है, इसमें हम टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे इस तरह से, और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के सख्त आटा गूंथेंगे। इसको आप नमक मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इस आटे को सख्त गूंथ लीजिए। देखिए ये आटे का डो बन गया है। अब आइए इसमें हम थोड़ा सा हाथ में रिफाइंड ऑयल लेते हैं, थोड़ा सा, ये इतना हमने लिया है। अब इसको हम अच्छे से माड़ेंगे। देखिए इसका डो ये तैयार हो गया है। अब आइए इसको हम रोल करते हैं या डस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म पे। आप चाहें तो अपने चकले पे भी कर सकती हैं। देखिए इसको हमने इस तरह से कर लिया है। अब इसको हम तीन बराबर बराबर भाग में काट लेंगे। ये गोल नहीं रहेगा, इसको आप लंबा बेलिएगा। देखिए इसकी सीड्स ये है, इस तरह से इसको आप बेल लीजिए। आप चाहे जितना बड़ा चाहे उतनी बड़ी लोइया लेके आप बना सकती हैं। तो हम यहाँ इतना ही बड़ा बनाएंगे। अब आइए इस पे हम मैदा डस्ट करते हैं। देखिए आप इसको जितना पतला हो सके उतना पतला काटिए। इसको पहले साइड से कट कर लीजिए, किनारा निकाल दीजिए। देखिए इस पे हम सूखा मैदा डस्ट कर रहे हैं। इस तरह से इसको हाथ से आप कर लीजिए। देखिए अलग अलग इसका, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना ढीला ढाला क्यों है, लेकिन मार्केट का जो नूडल्स है उसको आधा फ्राई करके तब धूप में सुखाते हैं। आप इसको डायरेक्ट बना सकती हैं। अगर आपको रखना हो डिब्बे में तो आप इसको डायरेक्ट धूप में सुखा के एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकती हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो या मेरा नूडल्स बनाने का मेथड पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।